आगे ईरान का है, वो सामने ईरान नजर आ रहा है, वो टैंकी जो नजर आ रही है ना वो ईरान की है। ये ईरान का पैसा है जी, चेक करें, ये ईरान का, ये ईरान का पैसा है जी। अभी हम इस तरह की गड्डी लेने वाले हैं इंशाल्लाह। उस तरह की मुझे एक भी बोतल यहाँ पे नजर नहीं आ रही, ये चेक करिएगा जी। तो ये सामने आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो इन लोगों से डिस्कस करते हैं जी, पता चलता है भी हमारे साथ कितना फाइनल होता है। वो फिल वक्त तो एक बंदे का 250 मांग रहे हैं, लेकिन इधर हम दो हैं और दो और आदमी खड़े हैं उधर, तो पता चल जाता है भाई कितना आगे हमारा एडजस्टमेंट होता है। वेलकम जी, वी आर बैक अदर ब्लॉग एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं इसमें मौजूद हूँ जी अफगानिस्तान के शहर हिरात में। तो हम यहाँ से सफ़र करने वाले हैं शुरू जी मशहद ईरान का। तो अभी हम इधर आए हैं जी, इधर इनके ये टैक्सी टर्मिनल है, इधर हम आए हैं, रुके हुए हैं जी। ये सारे मसल के इनको फारसी आती, उर्दू तो नहीं आती, लेकिन हमने इन लोगों को बोला कि वो कह रहे हैं 250 रुपये एक बंदे का लेंगे और आप लोगों को उधर ना बॉर्डर पर छोड़ देंगे। तो अभी हमारा जी सफ़र आगे ईरान का शुरू होने वाला है जी। तो इन लोगों से डिस्कस करते हैं जी, पता चलता है भी हमारे साथ कितना फाइनल होता है। वो फिल वक्त तो एक बंदे का 250 मांग रहे हैं, लेकिन इधर हम दो हैं और दो और आदमी खड़े हैं उधर, तो पता चल जाता है भाई कितना आगे हमारा एडजस्टमेंट होता है। अच्छा जी, सो फाइनली अभी हमारा ईरान से ईरान बॉर्डर की तरफ सफ़र शुरू हो गया जी। अभी हम गाड़ी में बैठ गए, इन लोगों के साथ हमारा फाइनल हुआ है एक बंदे का 250 रुपये, और हम दो बंदे हैं, दो बंदों का हमने लोगों से हमारा डाल हो गया है। तो पैसे हमने उधर देने इनको बॉर्डर पे उतर के। तो इंशाल्लाह ये हमारा सफ़र आज से शुरू हो रहा है ईरान का, आज से हमारा अफगानिस्तान का सफ़र ख़त्म हो जाना है और उसके बाद आगे ईरान वाला सफ़र शुरू हो जाना है। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ये आगे वाला सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे, और आप लोगों की सपोर्ट हमारे साथ है तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों की एक्सप्लोरिंग करवाते रहेंगे और इंशाल्लाह जल्दी उधर पहुंच जाएंगे। तो हमें तो आ रही है जी नींद इधर, जानी भाई साहब सो सो के उठ रहे हैं जी। सामने आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये जी ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो फाइनली इधर पहुंच आए हैं, तो आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर उतरेंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे आगे क्या करना है और क्या प्रोसीजर है हमारा। सो फाइनली जी अभी हम बॉर्डर पे आ गए, तो यहाँ से हमने मनी चेंज करवानी है, आई मीन पैसे चेंज करवाने हैं, यहाँ से पाकिस्तानी देंगे और ईरानी लेंगे इंशाल्लाह। तो वो देख रहा है भाई कितने लेना है भाई। 390 अफगानी मेरे को है, अभी मेरे पास 320 है। कितने 600 दा? हाँ नहीं नहीं 390 थे, 700 दा। हाँ 700 दा। अभी हम चेंज करवाने लगे जी, पहले हम अफगानी पैसे चेंज कराएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान चेंज कराएंगे। ये ईरान का पैसा है जी, चेक करें, ये ईरान का, ये ईरान का पैसा है जी। अभी हम इस तरह की गड्डी लेने वाले हैं इंशाल्लाह सोन, तो अभी हम चेंज करवा लेते हैं और बाद में आप लोगों को बताएंगे कि कितने रुपए में हमें कितने पैसे मिले हैं जी ईरान के। ये ईरान का बंदा जी अफगानिस्तान का है, तो ये सलाम आपको बोल रहा है। अच्छा जी, अभी वहाँ से हमने ना पैसे चेंज करवा लिए, 8000 के हमें मिले हैं जी, 8000 पाकिस्तानी रुपीज में हमें मिला है यहाँ का ईरानी 1 मिलियन। अभी हमने अफगानिस्तान की इमिग्रेशन पास कर ली है और आगे हमने स्टैम्प वगैरह लगा ली, एग्जिट की स्टैम्प हमारे लगी है अफगानिस्तान के मसल के वो बॉर्डर से, और आगे ईरान का है, वो सामने ईरान नज़र आ रहा है, वो टैंकी जो नज़र आ रही है ना वो ईरान की है।
तो अभी हमने उधर जाना है, उधर से हमने बस स्टैम्पर वगैरह लगवानी है और उसके बाद इंशाल्लाह हम ईरान में दाखिल हो जाएंगे। फिलवक्त तो हम ईरान में दाखिल ही हैं, लेकिन स्टैम्पर वगैरह लगवाने के बाद इंशाल्लाह हमारा तकरीबन आगे चलने का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ईरान की इमिग्रेशन पास कर ली है और अभी हम आ गए टैक्सी स्टैंड यहाँ पर। तो अभी यहाँ से ना कोई टैक्सी वगैरह लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमने आगे जाना है। और वक्त तकरीबन ये काफ़ी टाइम का प्रोसीजर था और उसके बाद उन लोगों ने कोरोना टेस्ट इधर किया हमारा, इधर उन लोगों ने उनके पास कुछ चीज़ थी उन लोगों ने इधर डाली है मेरे नाक में। तो हकीकत वाली बात है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी ये हमने टैक्सी का पूछ रहे हैं भाई से कितने ले रहे हैं वो, कितना चेक करें कितना पैसा पैसा 200। वो मांग रहा है यार, अभी उन लोगों की लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन ना वो शबीर भाई उनसे बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या करते हैं वो, कितने पैसे मांग रहे हैं वो हमसे। 200 रुपया मांग रहे हैं यहाँ से एक बंदे का, और हम दो हैं तो उस हिसाब से तो हमारा 400 बनता है, लेकिन पता चल जाता है ये कितने में फाइनल होती है उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। अच्छा जी, अभी हम इधर बैठे हैं, उधर से हमने सब कुछ करवा लिया लेकिन गाड़ी का हमने तय नहीं किया। अभी हम यहाँ से ना ईरान का सिम ले रहे हैं जी हमरा वाला, यहाँ से हमने तकरीबन 100 का पड़ रहा है वो ईरानी 100 80 का मिल रहा है जी इधर से। अभी हम दो सिम ले रहे हैं, शबीर भाई अपनी ले रहा है और मैं अपनी ले रहा हूँ। तकरीबन हालत काफ़ी टाइट हो चुकी है क्योंकि थक गए हैं, तो अभी हम सिम लेते हैं और सिम के बाद शायद यहाँ पे नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन हवा टाइट है। और अभी इसके बाद हमने फिर गाड़ी का बंदोबस्त करना है, उसके बाद हमने फिर मस्जिद जाना है। तो अभी हम सिम लेते हैं, सिम के लेने के बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे और गाड़ी भी फिर हमने ले ली। अच्छा जी, अभी सिम हमने ले ली है, हमें तकरीबन 80 रुपीज़ की पड़ी है इधर की, ईरान का जो 80 रुपया है ना उसमें हमें ये सिम पड़ी है। तो अभी तकरीबन हमने टैक्सी भी करवा ली है, टैक्सी हमें तकरीबन एक बंदे की 150 में पड़ रही है और दो बंदे हम हमारी 300 में और दो बंदे ये हैं, तकरीबन ये 600 में टोटल जा रही है गाड़ी। अभी हमारा सफ़र मस्जिद की ओर शुरू हो चुका है जी, तो हम मस्जिद जाएंगे, मस्जिद के बाद इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे हमारा किधर का प्लान है। फिल वक्त हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये ईरान इमिग्रेशन है, यहाँ से हम निकल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं फिर। अच्छा यार, बात कुछ ये थी कि जहाँ से मैंने सिम ली है ना, तो मुझे याद ही नहीं रहा मैं अपना पासपोर्ट उधर भूल गया। वो तो सिम वाले की मेहरबानी है कि उसने मेरा नंबर निकाला था और उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कि भाई अपना पासपोर्ट लेके जाए। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं उस शॉप पे, वहाँ से अपना पासपोर्ट लेते हैं और उसके बाद फिर हमने वापसी सफ़र करना है, क्योंकि यार पता नहीं वो इतना हम सफ़र करके आए हैं तो याद ही नहीं रहा, दिमाग ख़राब हो गया हमारा इधर। तो अभी चलते हैं जी उधर शॉप पे, तो वहाँ से ना हम अपना पासपोर्ट रिसीव करते हैं जी, उनका मेहरबानी शुक्रिया, वरना इधर मैं तो बहुत जलील हो गया था। चलिए शबीर भाई आ रहे हैं मेरा पासपोर्ट लेने के लिए, वो इधर ये जी शबीर भाई मेरा पासपोर्ट लेके आ गए, दीजिएगा भाई। थैंक यू यार, शुक्रिया, उनकी मेहरबानी है जी, इसके बगैर मैं बेकार था और बाद में मुझे याद भी नहीं रहना था मैंने दिया किधर है और कहाँ से कहाँ गुम हो गया ये। तो चलते हैं भाई, पासपोर्ट ले लिया, इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं फिर। अच्छा जी, अभी हम इधर रुके थे तो हमने कुछ चीज़ें लेनी है, बाय करनी है खाने पीने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान में होती है ना हमारी बोतलें, उस तरह की मुझे एक भी बोतल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये चेक करिएगा जी किस तरह की बोतलें पड़ी हैं इनमें, ये चेक करिएगा, इसमें तकरीबन इस तरह की बोतलें पड़ी हैं। मैं इधर ढूंढ रहा था कोक तो कोक हमें इधर मिल नहीं रही, तो उसके अलावा उसके अभी भाई से पूछते हैं भाई हमारे रिलेटेड कौन सी है, हो सकता है ये कहीं वो अल्कोहल वगैरह ना हो, तो उस वजह से कोई और मसले के मसला ना बन जाए, इधर हम कहीं शराब पी के इधर लेटे हुए हों, तो अभी पूछते हैं भाई। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि मैं उसके रिलेटेड आपको दे देता हूँ, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। अच्छा चेक करो जनाब, मार्केट है जी, शुरू मर्जी हाथ मार दे फिर, कोई टेंशन नहीं कोई नहीं। दिस इज ईरान, ओ गुड गुड यार, लग गई यार गौरमेंट की जनाब 1.5 लीटर की सू बोतल लभ गई है। चेक करो जनाब, समान पे मार्केटा बेचा, ये बंटे शंटे जिम्मे मर्जी खेडी जाओ, टाइम च परवाह ही कोई नहीं, तो साढ़े वाले पास
खुली चीज नहीं रखते कोई बंदे यार। सुपर मार्केट चेक करो माशाल्लाह किड्डा वी आई पी मॉल। ऐ जनाब ऑनर है दुकान का, लेकिन दुकान वालों साड़ी लैंग्वेज असू ही नहीं आती, घट घटे भी है। तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक ले ली है, जाते हैं भाई बोतल शोतल पीते हैं। आपको इंशाल्लाह मिलेंगे मशहद में। फाइनली जी अभी हम मशहद में आ चुके हैं और यहाँ से हमने रिचार्ज करवाना है और यहाँ से टैक्सी की टिकट लेनी है, क्योंकि यहाँ का रूल होता है इस तरह का। ये देखिएगा इधर ये लिखा हुआ है ना, इंटरसिटी बस टिकट। और उसके बाद अभी हम रिचार्ज करवाना है, यहाँ से पहले हम टिकटें वगैरह ले लें और उसके बाद हो सकता है हमें रिचार्ज करवाना। सो फाइनली जी अभी हम मशहद में बिल्कुल पहुँच आए हैं। ये मशहद सिटी है जिधर हम आए हैं, ये इमाम रज़ा टर्मिनल है, इधर हम आ गए हैं। तो अभी हमने रिचार्ज वगैरह करवाना है, तो रिचार्ज वगैरह करवा के अभी एक दोस्त को कॉल करनी है, उससे मिलना है, उसके बाद उसने हमें यहाँ पे ना रूम लेके देने हैं। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगा, क्योंकि हमारा भी काफ़ी हालत ख़राब हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया हमें सफ़र करते हुए। तो मैं कहता हूँ कि इस ब्लॉग का एंड यहीं पर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम इंशाल्लाह मिलते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।